चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी क्लास 6 लेसन 6, टॉपिक है टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट क्या होता है? इन दिस फंक्शन द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैराग्राफ इज बिगर। ठीक है, फंक्शन में जो इस फंक्शन में जो पहला कैरेक्टर होता है पैराग्राफ का वो बड़ा होता है। ठीक है, एंड ड्रॉप्ड ऑन द सबसिक्वेंस लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ, और जो उसका सबसिक्वेंस लाइन्स होता है पैराग्राफ का। ठीक है, दिस फंक्शन मोस्टली यूज्ड इन राइटिंग स्टोरी। यह फंक्शन का यूज कब होता है? जब आप स्टोरी को राइट करते हो तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी स्टोरी आप अगर लिख रहे हो तो टेम्पलेट में ही क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। क्या करोगे? इसको इंसर्ट टैब को क्लिक करोगे। क्लिक ऑन द टेम्पलेट ऑप्शन, वहाँ पे टेम्पलेट ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, सिलेक्ट द ड्रॉप्ड ऑप्शन फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन बॉक्स। पोजीशन बॉक्स से वो क्या होता है, ड्रॉप्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट ऑफ द ड्रॉप्ड लेटर फ्रॉम द फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन ऑप्शन सेक्शन। ऑप्शन सेक्शन में जो फॉन्ट ड्रॉप डाउन होता है वहाँ से लेटर को क्या करते हैं, अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है, उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर जो इच्छित ऑप्शन जो आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड ड्रॉप्ड लेटर विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर आप टेक्स्ट के बीच में डिस्टेंस देना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस भी आप क्या कर सकते हो, उससे बढ़ सकता है। ठीक है, उसकी सहायता से क्लिक ऑन ओके। उसके बाद क्या करोगे आप, ओके कर दोगे। ठीक है, अब इंसर्टिंग इमेजेस, इमेज को क्या करता है, इंसर्ट कराना है तो क्या करोगे, एडिंग इमेजेस टू योर प्रेजेंटेशन मेक्स देम मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग अगर है, ठीक है, कोई भी इमेज अगर आप चाहते हो कि उसको इंसर्ट मतलब कराना चाहते हो अपने प्रेजेंटेशन में, ऐड कराना चाहते हो, तो वो क्या होता है, वो आप ऐड कर सकते हो। पिक्चर्स, क्लिप्स, आर्ट एंड स्क्रीन शॉट्स कैन बी इंसर्टेड इनटू पावर पॉइंट टू हेल्प यू इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर आइडियाज टू योर ऑडियंस। ओके, वर्किंग विद इमेज, इमेज के साथ कैसे काम किया जाता है ये इसमें बताया गया है। Adding clip art and pictures to your presentation can be great way to illustrate important। ठीक है, जो क्लिप आर्ट और पिक्चर होता है वहाँ पे आप अपने प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और ऐड डेकोरेटिव एसेंट टू एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, यू कैन इंसर्ट इमेज फ्रॉम योर सर्च। अपने सर्च से इमेज को आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। वंस एन इमेज हैज़ बीन इंसर्टेड यू कैन रिसाइज एंड मूव इट लोकेशन यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम ए फाइल। एक फाइल से अगर आप इन जो है इमेज को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। और इसमें क्या है, कुछ स्टेप दिए हुए हैं जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब वहाँ पे आप ऑप्शन में आएगा, मूव वहाँ पे मीनू में, ठीक है, मीनू में आता है इंसर्ट टैब, उसको सिलेक्ट करोगे, फिर क्लिक करोगे पिक्चर को। ठीक है, और इमेजेस, इमेज ग्रुप में जो पिक्चर है उसको क्या करोगे आप, क्लिक करोगे। ओके, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर, उस पर क्या होता है, इंसर्ट पिक्चर आ जाएगा डायलॉग बॉक्स के रूप में। ठीक है, और सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज फाइल एंड क्लिक इंसर्ट। उस डिजायर्ड इमेज को क्या करोगे आप, सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट करोगे। ठीक है, क्लिक, जो इंसर्ट का ऑप्शन रहेगा उसको क्या करोगे, क्लिक करोगे। द पिक्चर विल अपीयर इन योर स्लाइड, पिक्चर क्या हो जाएगा, स्लाइड में आपका दिखने लगेगा। ठीक है, टू लोकेट क्लिप आर्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। अब क्लिप आर्ट जो लोकेट होता है वो उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। तो पहला क्या है, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना। ठीक है, फिर क्या करोगे, क्लिक द क्लिप आर्ट कमांड इन द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में कमांड कुछ वो आता है,
इमेज ग्रुप आएगा और उसमें एक कमांड होता है, क्लिप आर्ट का कमांड होता है, उसको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है। द क्लिप आर्ट ऑप्शन अपीयर इन द टास्क पेन टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के राइट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट के राइट में कुछ अपीयर होता है, क्लिप आर्ट का ऑप्शन अपीयर होता है, ठीक है। जैसे इधर देखिए, आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे राइट में आपका यहाँ पे क्लिप आर्ट शो करता है, ठीक है। यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो आपके बहुत से इमेज आ जाएंगे, ठीक है, उसके ऑप्शन आ जाएंगे खुल के, तो आप उसको अगर क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो ऑप्शन, वो जो है आर्ट जो है, जो भी जैसे टाइगर हुआ, कंप्यूटर हुआ, है ना, कंप्यूटर यूज़ करता हुआ लड़का हुआ, ठीक है, ये सब वो इमेज वहाँ पे शो करने लगता है। तो अगर आप चाहते हो उसको ड्रैग, फिर वहाँ पे जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे जहाँ क्लिक टू ऐड टाइटल दिया हुआ है यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे आप ऐसे करके माउस से वो ड्रैग करोगे, ड्रैग करके छोड़ दोगे वहाँ पे, वो अपने आप आ जाता है, है ना। तो यही इसमें बताया गया है। अब आइए देखते हैं चेंजिंग द बैकग्राउंड, जो उसका बैकग्राउंड होता है ना, जो आपका पेज है, आपने पेज लिया है, उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है। कलर कोई भी अगर आप डालना चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर पैटर्न एंड टेक्सचर ऑफ ए स्लाइड। एक स्लाइड के जो पैटर्न होता है, वो बैकग्राउंड कलर, उसको आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। स्टेप वन में क्या है, क्लिक ऑन बैकग्राउंड स्टाइल बटन प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड ग्रुप ऑन डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब के पर जो बैकग्राउंड का ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, बैकग्राउंड स्टाइल को क्या कर सकते हो, क्लिक करते हो। फिर स्टेप टू में क्या है, एज यू मूव द माउस ओवर द बैकग्राउंड ऑप्शन इज रिफ्लेक्टेड ऑन द साइड स्लाइड, ठीक है। आप उसको अपने माउस से क्या कर सकते हो, उस बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो वहाँ पे क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड बैकग्राउंड, जो आपको बैकग्राउंड की आवश्यकता होती है उस कलर का आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। स्टेप थ्री, क्लिक ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड को क्या करो, क्लिक करोगे, ठीक है, फिर बैकग्राउंड स्टाइल ऑप्शन आएगा, बैकग्राउंड स्टाइल ऑप्शन आएगा, ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, वो अपीयर हो जाएगा। फिर फील टैब एंड स्टाइल एनी फील स्टाइल ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आप जो है, जैसे यहाँ पे ये इमेज दिया हुआ है ना, ये इमेज फॉर्मेट बैकग्राउंड का, यहाँ पे फील आ जाएगा। फिर फील जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सब, जो भी कलर पैटर्न करना चाहते हो पैटर्न हो जाएगा, है ना, पिक्चर और टेक्सचर करना चाहते हो वो हो जाएगा, हाइड अगर मतलब नहीं चाहते हो, छुपाना चाहते हो, है ना, बैकग्राउंड, तो वो हो जाएगा। तो इसमें यही सब इसमें देता है, ठीक है। स्टेप फोर में क्या है, क्लिक ऑन कलर बटन, उस पर क्या करोगे, कलर बटन पे क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग कलर उसके डिस्प्ले होंगे, है ना, खूब मतलब दिखने लगेंगे, है ना, मोर ऑप्स मोर कलर पे जो है क्या करोगे, क्लिक करोगे। स्टेप फाइव पे क्या है, द कलर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर, और जो डायलॉग बॉक्स होता है वो क्या होने लगेगा, अपीयर होने लगेगा। स्टेप सिक्स में क्लिक ऑन स्टैंडर्ड टैब, ठीक है, स्टैंडर्ड टैब पर क्या करोगे, आप क्लिक करोगे और तब यूज़ कलर यू वांट, देन तब आप क्या कर सकते हो, जो चाहते हो वो कलर चूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द कस्टम टैब एंड क्रिएट योर ओन कलर स्कीम। नेक्स्ट है स्टेप सेवन में क्या है, फिर उसके बाद क्या करोगे, क्लिक ओके करोगे, यू विल अगेन गेट द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो है फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या होगा, आ जाता है। फिर ये सब जानते हो क्या होता है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना समझ में नहीं। हाँ, जब होगा तब हम आप लोगों को जो है करवाएंगे उस समय। इंसर्टिंग, अब आइए देखते हैं इंसर्टिंग एंड टेबल। टेबल को क्या करना है, इंसर्टिंग और टेबल, एक टेबल क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। हाँ, फिर
अगर आप टेबल को इंसर्ट कराना चाहते हो तो वो कैसे करा सकते हो? तो क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, वही सब है, स्टेप वही फॉलो करना है। इसमें तीन स्टेप में दिया हुआ है कि तीन स्टेप में आपका ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? टेबल। ठीक है, क्या है स्टेप वन में, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन ऑन द होम बटन। होम बटन पर क्या होता है, न्यू स्लाइड जो है होगा, उसको क्लिक करोगे, फिर आएगा क्या आएगा, टाइटल एंड कंटेंट आएगा। ठीक है, उसको सिलेक्ट करना होगा। स्टेप टू में क्या होगा, क्लिक द इंसर्ट टेबल कमांड प्रेजेंट ऑन द साइट। ठीक है, क्या करना है, क्लिक करना है किसको, इंसर्ट को। ठीक है, फिर इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। स्टेप थ्री में डिफाइन द नंबर ऑफ कॉलम एंड रो, उस रो में, ठीक है, नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, किसमें, रो और कॉलम में। ठीक है, क्लिक ऑन ओके, उसके बाद क्या करोगे, ओके कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कितने जितने आपको रो लेने हैं, जितने कॉलम लेने हैं, वो अपने आप वो दे देगा। ठीक है, रो अगर आप टू डाले हो तो टू रो देगा, थ्री डाले हो तो थ्री देगा, कॉलम जितने डालना है। रो कौन सा होता है, रो कैसा होता है, ऐसे ऐसे होता है, कैसे होता है जी, रो कैसे कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है, वर्टिकल, हाँ वर्टिकल, वर्टिकल होता है। अच्छा तुम बताओ जी, रो कैसे होता है, उधर से पलट 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 रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही बिल्कुल। रो कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है, ये कॉलम होता है, ऐसे रो होता है, हाँ ऐसे ऐसे क्या होता है, कॉलम होता है, और ये रो। ठीक है, तो इंटरिंग डाटा इन ए टेबल, अगर आप टेबल में जो है डाटा को इंटर कराना चाहते हो तो वो हो सकता है। ठीक है, तो कैसे है, आफ्टर इंसर्टिंग टेबल इन ए साइड, एक साइड में टेबल को अगर इंसर्ट करने के बाद, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू इंटर कॉलम हेडिंग और रो एंट्रीज। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, उसको टेबल जो एक स्लाइड है उसमें टेबल को इंसर्ट करने के बाद आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो जो जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, उसमें जो है कॉलम हेडिंग या रो एंट्री में। स्टेप वन में क्या होता है, प्लेस द माउस पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल एंड टाइप हेडिंग। माउस पॉइंटर पहले सेल में, माउस पॉइंटर का स्थान टेबल का और टाइप हेडिंग का उस पर स्थान होता है। प्रेस द टैब की, जब टैब की आप प्रेस करोगे तो टेक द इंसर्शन पॉइंट टू द नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल में क्या हो जाएगा, इंसर्शन पॉइंट ले लेगा वो। स्टेप टू में टाइप हेडिंग नेक्स्ट सेल, आप क्या करोगे, नेक्स्ट सेल के लिए क्या करोगे, हेडिंग को टाइप करोगे। सिमिलरली वी कैन इंसर्ट डाटा इन द टेबल यूजिंग द टैप की और एरो की और द माउस। आफ्टर टाइपिंग डाटा इन द टेबल, टेबल में जो डाटा को टाइप करने के बाद क्या करोगे, ग्रे एरिया होता है आउटसाइड स्लाइड का। ठीक है, उसके बाद आप अगर स्क्रीन शॉट जानते हो ना, स्क्रीन शॉट आप लोग तो लेते हैं ना मोबाइल में, तो वही चीज इसमें भी होता है, स्क्रीन शॉट है ना, स्क्रीन शॉट और पिक्चर, स्क्रीन शॉट और पिक्चर दैट, प्रो स्क्रीन शॉट आर द पिक्चर दैट कैप्चर द विजिबल विंडो एंड आइटम डिस्प्लेड ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, जो स्क्रीन शॉट होता है वो पिक्चर होता है जो कैप्चर किया जाता है, जो दिखा हुआ विंडो और आइटम है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है। दे मे इंक्लूड एन ओपन विंडो ऑफ ए वेबसाइट, वो कहाँ होता है, इंक्लूड होता है ना वेबसाइट के विंडो पर। आइटम ऑन योर डेस्कटॉप और एन ओपन प्रोग्राम,
दीज इमेजेस कैन बी यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग और डिस्प्लेइंग कंप्यूटर प्रोग्राम. यह इमेज क्या होता है, यूजफुल हो सकता है एक्सप्लेन या डिस्प्ले करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम को, है ना, वेबसाइट को, ये सब को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन और डिस्प्ले करने के लिए इसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है. ठीक है, इसमें स्क्रीनशॉट दूसरा दिया हुआ है. पावर पॉइंट अलाउ यू टू कैप्चर एन इमेज ऑफ एन इंटायर विंडो ऑफ ए स्क्रीन क्लिपिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ ए विंडो. ठीक है, जो पावर पॉइंट अलाउ करता है आपको एक इमेज ना, संपूर्ण विंडो का कोई भी इमेज कैप्चर करने के लिए, है ना, वो उसको करने के लिए इसका क्या होता है, अलाउ किया जाता है, है ना. क्या होता है, कोई भी संपूर्ण जो इमेज होता है उसको कैप्चर करने के लिए, है ना, इसको क्या करता है, अलाउ किया जाता है. ऑटो रिकवर, ऑटो रिकवर क्या है, पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली सेव्स योर प्रेजेंटेशन टू ए टेम्प्रोरी फोल्डर. ठीक है, पावर पॉइंट क्या होता है, अपने आप ही सेव होता है आपके जो टेम्प्रोरी फोल्डर होता है, जो परमानेंट नहीं होता है, वैसा फोल्डर एक प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है, अपने आप क्या हो जाता है, वो सेव हो जाता है. इसको क्या बोलते हैं, ऑटो रिकवर. व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन देम, जब आप उस समय काम कर रहे हो तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाता है. ठीक है, प्रेजेंटेशन आपका. इफ़ यू फॉरगेट टू सेव योर चेंजेस और इट इफ़ पावर पॉइंट क्रैशेस यू कैन रिकवर द ऑटो सेव्ड फाइल. यदि आप अपने चेंजेस या पावर पॉइंट क्रैशेस को सेव करना भूल जाते हो तो आप उसको ऑटो रिकवर से क्या कर सकते हो, उसको पा सकते हो, गेटअप कर सकते हो. ओके, हाँ. टू यूज ऑटो रिकवर ऑप्शन फॉलो द गिवन स्टेप. कुछ ऑप्शन हैं जो फॉलो किया जाता है ऑटो रिकवर ऑप्शन का यूज़ करने के लिए. जैसे ओपन अ प्रेजेंटेशन दैट वाज प्रीवियसली क्लोज्ड विदाउट सेविंग. एक प्रेजेंटेशन को खोला जाता है जो कि प्रीवियसली बिना सेव किए हुए क्या हो गया है, क्लोज हो गया है. अगर कोई भी आपका कुछ भी आपका इम्पोर्टेंट फाइल है वो अगर आपका बिना सेव नहीं किए हो, है ना, तो आप उसको क्या करना चाहते हो, वो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो ये अपने आप क्या कर लेता है, अपने आप ही वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है. ठीक है, इन बैक स्टेज व्यू क्लिक इन्फो. इफ देयर आर ऑटो सेव्ड वर्जन ऑफ योर फाइल, यदि आप अपने फाइल के वर्जन को क्या करते हो, अपने आप सेव करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वर्जन के अंदर ही वो क्या होगा, दिखेगा. क्लिक ऑन द फाइल टू ओपन इट. इस फाइल को खोलने के लिए क्लिक करोगे. टू सेव चेंज क्लिक रिस्टोर एंड देन क्लिक ओके. बदलने के लिए जैसे आप जो सेव किए हो उसको बदल सकते हो क्लिक रिस्टोर करके. रिस्टोर करोगे और आप उस सेव को जो है चेंज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट ऑटो सेव्स एवरी 10 मिनट्स. ठीक है, पावर पॉइंट अपने आप सेव होता है. पावर पॉइंट क्या होता रहता है, ये अपने आप सेव करता रहता है 10-10 मिनट में. कुछ भी आप लिखे हो 10 मिनट तक लिखे, फिर वो 10 मिनट में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा. फिर 10 मिनट कुछ लिखे, फिर आप कुछ कर रहे हो तो वो फिर सेव हो जाएगा, है ना. पर 10 मिनट्स वो क्या होता रहेगा, सेव होता रहेगा. ओके, अब नेक्स्ट टाइम हम जो है आप लोगों फिल इन द ब्लैंक्स करवाएंगे और क्वेश्चन आंसर. ओके स्टूडेंट्स.